मुंबई। एक बड़े से गोडाउन में कई लोगों को उनके घुटनों के बल बैठाया गया था। उन सभी के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। वहीं उनके सामने कुछ लोग खड़े थे जिनके हाथों में गन थी, और उन लोगों के बीच में एक शख्स बैठा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। सुना था क्वीन अपने किसी आदमी को चोट नहीं पहुंचने देती, लेकिन यहाँ तो अलग ही है। इतना कहकर वो सब हंसने लगते हैं। वहीं उनकी बात सुनकर वहाँ घुटनों के बल बैठे लोग मुस्कुरा देते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि थोड़ी देर में यहाँ क्या होने वाला था। वो सब शांति से बैठे थे। वहीं उनकी शांति सामने बैठे लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। वो चाहते थे कि वो लोग उनके सामने भीख मांगे खुद को छोड़ने की, लेकिन यहाँ तो सब अलग ही था। वो मुस्कुरा रहे थे। ये बर्दाश्त करना अब उनके लिए मुश्किल था। वो शख्स जो कि उनका लीडर था, वो खड़े होकर कहता है, खत्म कर दो इन्हें, इसी लायक हैं ये लोग। बोलते हुए वो वहां से जाने लगता है। वो बॉडीगार्ड अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हुए जैसे अपने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ाने लगते हैं। उनके हर एक बढ़ते कदम के साथ उनके कानों में किसी की विसल की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर उनका बॉस भी अपनी जगह ही रुक जाता है। वो पलटकर अपने आसपास देखने लगता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना डरा हुआ है। लो, तुम्हारी किस्मत लिखने वाली आ चुकी है, जमीन पर बैठी एक लड़की मुस्कुराते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर उनका बॉस उसको घूर कर देखता है कि एक गोली उसके बगल से एक इंसान को लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है। धीरे धीरे वहां के कुछ बॉडीगार्ड जमीन पर गिरते जा रहे थे। अब वहां बस गिने चुने बॉडीगार्ड्स थे, जिन्हें देखकर अब उनके बॉस के माथे पर पसीने आने लगते हैं। आखिर छुपके यू वार करने से तुम्हें क्या मिलेगा, सामने आओ और फिर वार करके दिखाओ। उसकी बात सुनकर जमीन पर बैठी लड़की अपने बगल के आदमी से कहती है, सही है युग, प्राण जाए पर घमंड और इज्जत ना जाए। चलो अब ये भी मरेगा। इतना कहकर वो हंस देती है। तभी वहां पर हील के टक टक की आवाज आती है और सबकी नजर एक साइड चली जाती है जहां से कोई अंदर आ रहा था। सबकी नजरें उसी तरफ चली जाती हैं जहां से एक लड़की अंदर आ रही थी। वो अपने घुटनों के बल आ जाता है।
इस किस के जरिए वो शख्स अपना गुस्सा, अपनी तड़प उसे बयां कर रहा था। तो वहीं उसकी किस को महसूस करके उस लड़की की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब तक जो आंखें गुस्से से भरी थी, अब उन आंखों में एक अलग सा डर था। उस लड़की की आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसका डर था वही हुआ, उसने आखिर उसे ढूंढ ही लिया। उदयपुर, एक लड़की मिरर के सामने खड़ी खुद के दुपट्टे को ठीक करते हुए कहती है, पता नहीं ये इश्की की बच्ची कहां चली गई, इसका तो एक दिन मैं मुंह तोड़ दूंगी। ये थी अन्या, इश्की की बचपन की दोस्त। दोनों साथ में ही रहते थे क्योंकि अन्या के पेरेंट्स काम के सिलसिले में हमेशा उदयपुर से बाहर ही रहते थे और बहुत कम ही ऐसा होता था कि जब वो घर आते थे। वही एक लड़की जिसने एक रेड एंकल लेंथ नेट फ्रॉक पहना हुआ था, वो कुछ बच्चों के साथ बैठी पानी पूरी खा रही थी। वो बच्चे भी उसके फूले हुए गालों को देखकर हंसते और उनकी हंसी देखकर उसे भी हंसी आ जाती। तभी उस लड़की की नजर दूर से आती धूप में लाल हो चुकी अन्या की तरफ पड़ती है, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसे देखकर वो लड़की पानी पूरी वाले को पैसे देकर खुद से कहती है, आज तो तू गई इश्की बेटा, क्यों बार बार इस हिटलर की फीमेल मॉडल से भिड़ती रहती है। कहकर वो एक नजर उसकी तरफ बढ़ाते हुए आ रही अन्या को देखती है और एक ऑटो को रुकवाकर उसमें बैठकर निकल जाती है। वहीं उसे भागता हुआ देख अन्या जोर से चिल्लाती है, इश्की की बच्ची, एक बार बस, एक बार मुझे मिल जा, फिर मैं तुझे बताती हूँ। इतना कहकर वो भी वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर में इश्की उदयपुर के एक हॉस्पिटल के सामने आकर ऑटो से निकलती है। ऑटो से निकलने के बाद वो एक गहरी सांस लेकर अपने हाथों में लिए वाइट एप्रन को पहने हुए अंदर चली जाती है। इश्की उदयपुर की टॉप 1 सर्जन डॉक्टर्स में से एक थी। करीब 25 साल की उम्र में वो बहुत सक्सेसफुल बन चुकी थी। इश्की बिना कुछ कहे अपने ऑफिस में बैठ जाती है और धीरे धीरे वो सर्जरी में बिजी हो जाती है। और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। आज हर दिन के मुकाबले वो काफी ज्यादा थक गई थी। वो एक नजर घड़ी को देखती है और अपना बैग उठाकर बाहर निकल जाती है। अभी 10 बजने वाले थे, जिस वजह से वहाँ कम ही डॉक्टर थे जिनकी नाइट ड्यूटी थी। बाकी सभी नाइट ड्यूटी नर्स और सारे पेशेंट्स ही थे। वो अभी बाहर की तरफ बढ़ रही थी कि पीछे से एक लड़की आते हुए कहती है, इशू सुनना, एक हेल्प करेगी। उसका इतना ही कहना था कि इश्की उसे घूर कर देखती है। देख गुस्सा मत करना, मैं जानती हूँ कि तू थक गई है, लेकिन इस बार सच्ची वाला मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया है। प्लीज ना, बस आज के लिए मेरी नाइट ड्यूटी कर ले, कल मैं तेरी नाइट ड्यूटी कर लूंगी, प्लीज। आना उससे मिन्नत करते हुए कहती है। वहीं इश्की मुंह बनाकर कहती है, यार हर बार यही कहती है तू, मैं आज ना बहुत थक गई हूँ, भूल जा, मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर वो वापस जाने लगती है तो आना उसके सामने आकर उसे मनाने की कोशिश करने लगती है। आखिर क्या अंजाम होगा इनकी इस मुलाकात का? कौन सी इंजेक्शन है जो एएसआर ने उस आदमी को इंजेक्ट करने को कही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए माफिया ऑब्सेशन हमारी